आप लोकल के महापर्व में खुद वोट डालने के लिए आई हैं? लोकतंत्र का महापर्व है, सबका अधिकार है वोट डालने का। सब लोग निकल रहे हैं घरों से वोट डालने के लिए, और निश्चित ही ग्वालियर के विकास के लिए वोट डालेंगे, जो भी डालेंगे। इस बार कांग्रेस कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी ने त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया। ये आपको लगता होगा हमारी पार्टी जीत रही है? कुछ पोलिंग बूथों पे पर्चियों ने नाराजगी जताई आपने? अभी मैं 408 पर खड़ी हूँ, यहाँ पर भी समस्या आई है। कलेक्टर साहब से बात हुई है, बीएम शर्मा जी से बात हुई है, वो बोल रहे हैं अभी सुधार रहे हैं, 5 मिनट में यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। क्या किस तरह की कमी देखी आपने? मतदाता भी परेशान हो रहे हैं। सहायता केंद्र बनाया गया है शासन की तरफ से, तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो जो आम जनता, एक तो कुछ उनके मतदान केंद्र चेंज कर दिए हैं और लोगों को पता नहीं है कि कौन सा मतदान केंद्र है, पर्ची एक्चुअली पूरी बट नहीं पाई है प्रशासन की तरफ से, मतदाता परेशान हो रहा है, गर्मी का टाइम है तो परेशान नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जो पर्चियां बटनी चाहिए थी वो नहीं बटी प्रशासन की। कलेक्टर साहब से क्या बातचीत रही है? कलेक्टर साहब को सारी समस्या है मैंने बताई है कौशलेन जी को, और वो बोल रहे हैं 5 मिनट में सब जगह पहुंचा रहे हैं सबको।